द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डाक टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। अपराधियों ने घात लगाकर दो लोगों पर जानलेवा हमला किया। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र का है, जहां पर विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनीष मिश्रा बीती रात घर जा रहे थे कि पुलिया के पास बैठे 5 से 6 बदमाशों ने उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया और घायल कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कहना है कि उनके छोटे भाई से हमलावरों का विवाद था। हमलावर समझ नहीं पाया और छोटा भाई समझकर विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके साथी मनीष सिंह पर धारदार हथियार से धावा बोल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। रायबरेली ब्यूरो, सुषमा मिश्रा की रिपोर्ट। किसान आदमी है, डेवलपमेंट जो है बेच के आ रहे हैं, उसी वक्त हमारे हमला हुआ। कौन लोग थे हमला करने वाले, क्यों किया? हमला करने वाले थे सुनी पांडे, छोटे भाई से उनका विवाद था। उन्होंने हमको समझ के जो है छोटे भाई समझ के हमारे ऊपर हमला कर दिया। ये क्या करते हैं बता रहे हैं? ये गेट पॉइंट में है सविदा। और क्यों मारा है आपको? आप किसके साथ में आ रहे थे? हम दोनों लोग साथ में साथ मनीष मिश्रा। अब वो कितने लोग थे? वो 3-4 लोग। पहचानते नहीं सबको? नहीं, सबको नहीं पहचानते। थाने गए थे? हाँ, थाने गए थे। रिपोर्ट दर्ज हुई? हाँ, रिपोर्ट दर्ज हुई। गिरफ्तारी हुई उनकी? अभी नहीं हुई। मनीष मिश्रा। और कैसे क्या हुआ आप साथ? 3-4 लोग बैठ के थे, उनके छोटे भाई से लड़े थे। उन्होंने हम लोगों को समझा कि ये कोई टर कर दिए थे, उसी से आगे से मार दिए थे। आगे कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 लोग थे, वो कोई पकड़ा नहीं गया? एक को पहचानते तो पांडे जी को, बाकी तो नहीं जानते तो पहले। डॉक टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।